तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें एक अलग तरीका बताने वाला हूँ पोलराइजर चेंज करने का। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो ये तरीका आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप बहुत ही आसान तरीके से पोलराइजर को एक मिनट के अंदर हटा लेंगे। तो दोस्तों कई बार ये होता है कि आपकी जो LCD होता है उसका जो बैक होता है वह मेटल का होता है। अगर आपकी LCD का बैक मेटल का है तो आप उसको वैक्यूम मशीन होती है ना उस पर चिपका के बहुत ही आसान तरीके से 1 से 1.5 मिनट में हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा बहुत जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है ये। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने बनाया है इसमें मैं आपको इसका पोलराइजर हटा के दिखाऊंगा और उसका जो ग्लू होता है उसको बहुत ही आसान तरीके से हटा के दिखाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों उसके बाद मैं इसके पोलराइजर को बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ भी बताने वाला हूं। इसके पोलराइजर जो होता है उसको जिस तरीके से OCA लगाते हैं उस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए आज की इस वीडियो में, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आपको मेरे जो चैनल है उसका फ़ायदा उठाना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके है ना एक एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट में जो ट्रिक एंड ट्रिप्स के नाम से एक है मेरा प्लेलिस्ट, अगर उसको जाके देखेंगे ना आप तो बहुत ही आसान लगेगा आपको ग्लास चेंज करने का तरीका। तो जाके उसको फॉलो करो, आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मैंने समझाई हुई है। जो ट्रिक्स कोई नहीं बताता ना यूट्यूब पर कोई नहीं बताता वो चीज़ मैंने आपको बताया, तो उसके जाके फॉलो करो, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने ग्लास को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो मेरे पास MI का मोबाइल है, इसकी फिल्म यहाँ से कटी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस जगह से इसकी फिल्म कटी हुई है। आज मैं इसका ग्राफिक पोलराइजर फिल्म एक ही नाम होता है, मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा अलग तरीका बताया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से आप अपना पोलराइजर चेंज कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से पोलराइज़र कटा हुआ है। दोस्तों पोलराइजर हटते ही हमारी LCD वाइट पड़ जाती है, नया पोलराइजर लगाते ही LCD प्रॉपर तरीके से कलर बन जाते हैं LCD में। इस तरीके से यहाँ मेरा पोलराइजर कटा हुआ है तो मैंने इसको काट लिया। अब मैं इसको फटाफट LCD को बाहर निकाल लेता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि इसका पोलराइजर किस तरीके से हटाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी जो पीछे की जो बॉडी है स्टील की बॉडी है, तो इसको हम आसानी से इस पे मशीन पे चिपका सकते हैं क्योंकि पीछे स्टील का फ्रेम है। इस पे हम चिपकाएंगे ना तो बहुत आसान तरीके से चिपक जाएगा और इसका ग्राफिक भी बहुत ही आसान तरीके से हट जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसको इस पे रख लिया और ये वैक्यूम से इस पे चिपक गई है और इसको हल्का हल्का हीट हो रहा है हमारी डिस्प्ले। इस तरीके से हमें ऑपरेशन कटर होता है ना उसकी सहायता से इसके जो फिल्म होती है इसको हम काटेंगे। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से मैं इसकी फ़िल्म को काट रहा हूँ। ऑपरेशन कटर में हमेशा नई ब्लेड का यूज़ करें, जब भी आप फिल्म चेंज करें तो ऑपरेशन ब्लेड नहीं लें। उसके बाद इस तरीके से जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं बहुत ही आसान तरीके से इसकी फ़िल्म को काट रहा हूँ, जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप जाओगे ना तो मैंने एक से एक वीडियो डाल रखी है, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके से मैं इसकी फ़िल्म को काट रहा हूँ जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि कई लोगों से इसका ग्लू साफ़ नहीं होता है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया। अगर आप उस तरीके से LCD को साफ़ करोगे ना तो फटाफट साफ़ हो जाएगी आपकी LCD। इस तरीके से दोस्तों आपको कटर तिरछा चलाना है, तिरछा चलाएँगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से इसके फिल्म को आप हटा देंगे। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरीके से दोस्तों आप काम करेंगे ना बहुत ही आसान तरीके से आप अपना पोलराइजर चेंज कर लेंगे। पोलराइजर चेंज करना लोगों को लगता है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है पोलराइजर चेंज करना। बस खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंट रखें और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने पोलराइजर को चेंज कर लेंगे। बस ये दिमाग में रखें कि हाँ मैं कर लूँगा तो आप कर लोगे। अगर दिमाग में पहले से फिट कर लोगे यार LCD टूट गई तो क्या होगा, ये हो गया है वो हो जाएगा, तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल के काम करेंगे ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से सक्सेस
तरीके से पोलराइजर चेंज कर लेंगे। इस तरीके से मैंने जो तारपिन लिक्विड होता है इसकी LCD पे लगाया और थोड़ा हीट होने दिया। उसके बाद शेविंग ब्लेड होती है ना, हमेशा नई शेविंग ब्लेड ले, उसके ज़रिए इसकी जो ग्लू होता है ना वो एक मिनट में, आप जो मोटा मोटा ग्लू होता है ना एक डेढ़ मिनट में ही हटा लेंगे, जैसा कि दोस्तों वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से मैंने इसकी जो मोटा मोटा ग्लू है उसको हटा लूँगा उस तरीके। फिर इसके बाद जो नॉर्म थोड़े बहुत जो ग्लू रह जाता है उसको फालकॉन से साफ़ करूँगा। दोस्तों फालकॉन बहुत अच्छा लिक्विड है दोस्तों, उसकी सहायता से आप LCD को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे और LCD जो उससे साफ होता है, LCD में जो अलग ही चमक आती है, एक भी डस्ट नहीं रहते हैं। फालकॉन ये होता है कि आप कपड़े पे लगाएंगे और साफ़ करेंगे हैंड टू हैंड उड़ जाता है, और तारपिन लिक्विड ये होता है कि आप इससे साफ़ करेंगे ना तो वो डिस्प्ले पे लगा रह जाता है। ये हमारा फालकॉन है, लास्ट में मैं फालकॉन यूज़ करूँगा, उसके बाद इस पर फ्लेम लगा के दिखाऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा कि हमारी फ्लेम पे, इस पर मैंने फ्लेम हटा ली है, अब मैं इसको ऑन करूँगा तो डिस्प्ले हमारी वाइड आएगी, और इसको मैं इस पर जो नई फिल्म जो लगानी है एक बार वो चेक कर लूँगा हमारे कलर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके बाद मैं आपको फिल्म किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरीके की एक से एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप नया हैं हमारे चैनल पर तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, टिक ट्रिक एंड ट्रिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है ना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अगर वो आप जाके देखोगे ना तो मोबाइल ग्लास चेंज करना, फिल्म चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से ये हमारा पोलराइज़र है, ये बड़ी शीट है, कम से कम ये है 12 इंच के आसपास की ये शीट है, जिसमें से 3 सेट पे आप और पोलराइजर लगा सकते हो। इस तरीके से मैंने इसमें एक तो पहले ही लगा रखा था, अब ये दूसरा सीट जहाँ से कलर बन रहे हैं मैं वहाँ से काट लूँगा, और आप इसको मैं आपको डिस्प्ले पे किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ दिखाऊँगा। दोस्तों पोलराइज़र लगाना बहुत ही आसान है, बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, सफ़ाई। जितनी अच्छी आप अपनी LCD की सफ़ाई करोगे उतना अच्छा आपका पोलराइज़र लगेगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने पोलराइज़र को काट लिया है, इसके बाद मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगा। इस तरीके से पहले तो मैं तारपिन लिक्विड से अच्छे से साफ़ करूँगा, जब लास्ट में जब मैं इसको लगाऊँगा ना तो फालकॉन 530 यूज़ करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस तरीके से मैं जिस तरीके से OCA लगाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि आप OCA जिस तरीके से लगाते हैं ना, फिल्म भी सेम उसी तरीके से लगाते हैं। इस तरीके से सबसे पहले तो फिल्म की जो पन्नी होती है वो हटा ले। दोस्तों कई बार आप ये गलती कर देते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में करा, क्योंकि आप गलत सेट की पन्नी उतार लेते हैं और फिर आप LCD पर रखते हैं तो चिपकता नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जो प्रॉपर जिस तरीके से जिस जगह गम होती है ना उसी तरफ की पन्नी हटाएं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से चिपका रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, मेरे से भी इस वीडियो में हो गया था, तो इस तरीके से मैंने दोबारा उसको चिपका लिया, फिर दूसरी पन्नी हटाई, उसके बाद किस तरीके से मैंने इसका पोलराइज़र लगाया वो चीज़ आप देख रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पोलराइज़र बहुत ही आसान तरीके से लग गया है। दोस्तों इस तरीके से जो साइड का वेस्ट पोलराइज़र है, इसको फिल्म भी बोलते हैं, ग्राफिक भी बोलते हैं, इसको हम ब्लेड से काट लेंगे। नई ब्लेड का यूज़ करें दोस्तों, जिससे बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी फिल्म को काट लेंगे। अगर धारदार ब्लेड नहीं होगी तो कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे कि दोस्तों ये कोने में देख रहे हैं आप, यहाँ से कट नहीं रहा। अगर बिल्कुल धारदार ब्लेड होती ना तो एक बार में कट जाता, लेकिन फिर भी आप तरीके से काम करेंगे तो नॉर्मल ब्लेड से भी काट लेंगे, जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने इसी ब्लेड से इसका ग्लू साफ़ करा था, उसके बाद ये वेस्ट का पोलराइज़र मैंने साफ़ कर लिया। अब थोड़े बहुत जो इसमें ना छोटे छोटे बबल होते हैं ना, उसके अपने नाखून की सहायता से उसको दबा दे, बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी फिल्म को लगा लेंगे। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारा पोलराइज़र बहुत ही शानदार लगा है, ना इसमें कोई डॉट है ना बबल है, बिल्कुल शानदार तरीके से हमारा पोलराइज़र लग चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊँगी क्या क्वालिटी आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस तरीके से हमारा ये पोलराइज़र लग चुका है। दोस्तों पोलराइज़र लगाने में हमेशा हमेशा हमेशा, ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी LCD को प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे ना
तो उतना अच्छा पोलराइजर आपको आपका लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप मेरा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर देना, और इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जो मेरा चैनल है उस पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, सैमसंग की अलग बना रखी है, वीवो की अलग बना रखी है, ओप्पो की अलग बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको हर मॉडल के ग्लास चेंज करने का मैंने तरीका डाला। अगर आप जाके फॉलो करोगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने हर मोबाइल का ग्लास चेंज करके दिखाया। दोस्तों अगर आपको मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग करानी है तो आप मुझे कुरियर के जरिए अपना मोबाइल भेज सकते हैं, मैं आपको उसको गारंटी के साथ सही करके आपके पते पे दोबारा डिलीवरी कर दूंगा। दोस्तों मेरे जो काम करने का तरीका है, मैं अपनी गारंटी के साथ काम करता हूँ। अगर आपको मुझसे काम कराना है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर देना, मेरा इंस्टा ID सुपर आलम टेक्निकल के नाम से आप मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पर आपको मेरा नंबर, मेरा पता, मैं कहाँ रहता हूँ डिटेल सेंड कर दूंगा। तो आप मुझे अपना मोबाइल कुरियर के जरिए सेंड कर सकते हैं और मैं आपको उसको गारंटी के साथ सही करके दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।